आज कुछ लोग वंशवादी अपने वंश से बाहर नहीं निकल पाते। अब नरसंहार का दौर शुरू हुआ है। जो पिछड़ा है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, रोजगार के लिए हम उसको मजदूर को मजबूर न बनाएं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कभी भी आरजेडी पर हमला बोलने से पीछे नहीं रहते। एक बार फिर से उन्होंने मन से आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ वंशवादी ऐसे हैं जो अपने वंश से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, आइए आपको सुनाते हैं। हम वर्तमान में सत्ता प्राप्त करने से ज्यादा भविष्य में आने वाले पीढ़ी को गर्व के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का माहौल दें, एक नया विहार बनाएं, वह गौरवशाली विहार जिसके अंदर हर समाज खुशहाल था, अच्छे वातावरण के अंदर सबकी प्रतिभा का, हुनर का, सम्मान का एक माहौल बनता था। आज बिहार के अंदर क्या हो रहा है? बिहार के अंदर आज सम्मान और स्वाभिमान और रोजगार की बात तो बात की चीज है, आज जिंदगी जीने के लिए भी हमारे मन के अंदर एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। हर जिले के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का जो माहौल बना है, हर दिन अब नरसंहार का दौर शुरू हुआ है। ये 90 के दशक में बिहार को ले जाने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। और आप उठा करके देखें कि सबसे ज्यादा हत्या किन लोगों की होती है, किन लोगों की समाज के अंदर सबसे ज्यादा दोहन और शोषण का वातावरण बना रहा है और कौन लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, ये साफ झलकेगा। बिहार के अंदर बिहार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहा है कि हम सामाजिक समरसता के ही नहीं, हम लोकतंत्र के, हम मातृत्व भूमि के रूप में जाने जाते हैं, लोकतंत्र के जननी हैं। और लोकतंत्र में हर का सम्मान, हर का स्वाभिमान की रक्षा हमारी जिम्मेवारी है। क्या हर समाज के लोगों के साथ यह व्यवहार दिखाई पड़ता है? ठीक कहे हमारे पूर्व की वक्ताओं ने कि आज कुछ लोग वंशवादी अपने वंश से बाहर नहीं निकल पाते। आज वह भ्रष्टाचारी अकूत संपत्ति जो जमा किए हैं, वो किसका प्रतिभा का हनन करके किसके भविष्य के रोटी को, किसके भविष्य के रोजगार के अवसर को छीना है। जो पिछड़ा है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, आज भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आज 17-18 जाति जो हुनरमंद है, अलग अलग कौशल का, जिसका कौशल और प्रतिभा को दबाया गया, उसके हुनर को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, रोजगार का अवसर के लिए उसे पैसे भी देंगे, प्रशिक्षण भी करेंगे और लोगों के बीच में अपनी सांस्कृतिक कारोबार को, जिसके बदौलत हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत रहा, विश्व के वातावरण बदलता है, लेकिन भारत के वातावरण इन्हीं दलित, कमजोर, पिछड़े जो गांव के अंदर निवास करता, उसके बल पर यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत बना रह जाता है। और भारत कटोरा लेके विश्व के सामने खड़ा नहीं होता है। इन लोगों का सम्मान और अपने पूर्व के जो हमारे परंपरागत रोजगार का अवसर था, रोजगार का वातावरण था, एग्रीकल्चर पर आधारित जो उद्योग था, उसको बढ़ाने का, एक नए माहौल खड़ा करने का, और वो अब रोजगार के लिए हम उसको मजदूर को मजबूर न बनाएं। वह श्रमिक है, वह हमारा आने वाला भविष्य का मालिक है, सृजनकर्ता, निर्माता, वह विश्वकर्मा का संतान है और उसका सम्मान राष्ट्र का उत्थान है। ये माहौल बनाने की जरूरत है। आज आपने जो शुरुआत किए हैं, ये एक अच्छा सकारात्मक पहल है, ये शुरुआत रंग लाएगी। ये हॉल क्या, इससे भी बड़ा हॉल के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी और अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हर समाज के सम्मान को और उसके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से लगेगा, हमारी शुभकामना है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। दरअसल मौका था वीरांगना छलकारी बाई की जयंती के कार्यक्रम का। इस दौरान मंच से भाषण देते हुए उन्होंने आरजेडी पर और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कैमरा पर्सन रति के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।